ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो नेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर उस लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मतलब इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तब जा कर के वो बॉयल करना शुरू करता है। ऐसे में मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपराइज इन गैस फॉर्म। तो ये था। तो अब जो है, जैसे कि अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाय बना रहे हों और चाय बॉयल कर रहा हो, तो उस समय अगर हम चाय में चीनी डालते हैं तो बॉयल करते हुए चाय में चीनी डालने से कुछ समय तक जो है बॉयल करना बंद कर देता है। जब उसको हम लगातार हीट करते रहते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर से बॉयल करता है। तो इस टाइम में जब तक वो बॉयल नहीं कर रहा है, जिसको हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बॉयलिंग पॉइंट जो है इसमें शुगर डिजॉल्व करने से बढ़ गया। अब जिस पर वो बॉयल कर रहा था उस पर अब बॉयल नहीं करेगा, बल्कि उसको कुछ और भी हीट देनी पड़ेगी तब जा कर के वो बॉयल होगा। तो इसी पर हम आज बात करते हैं बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो इसमें देखो एलिवेशन होता क्या है, देख लीजिए। When we add non-volatile solid solute in volatile liquid solvent, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑब्जर्व्ड। वेरी सिंपल है, जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इसी इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ जाना। एलिवेशन का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से उसी को, मतलब द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो सपोज दैट, यहाँ देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर। उसमें हम कहते हैं केल्विन में, और हियर इज वेपर प्रेशर वह इंक्रीज करेगा। और ये जो टेम्परेचर दिखा जा रहा है यहाँ पे, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.013 बार। कितना होता है, 1.013
बार इसकी वैल्यू होती है बार में, अवश्य प्रेशर हो गया। और अब हमको ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर जब भी प्रेशर आप किसी भी लिक्विड का इसके ऊपर जाएगा तो बॉयल करेगा, अदरवाइज बॉयल नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ऐसे है, ये लाइन जो बन रही है, दिस स्टैंड्स फॉर प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और दिस लाइन स्टैंड्स फॉर सल्यूशन, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर सल्यूशन, ये सल्यूशन के लिए है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जब तक जो है इसका जो प्रेशर इसके इक्वल नहीं होगा तब तक ये बॉयल नहीं करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आ रही है लाइन, इसको नीचे ऐसे कर दूँ तो ये आएगा दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर ऐसे आते हैं तो ये जो वैल्यू यहाँ आती है वह आती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन। तो इस तरीके से ये हुआ। अब आप देख लीजिए कि इन दोनों, इसको हम डिवीजन कर सकते हैं, लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टी बी नॉट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन इज टी बी। तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को जो हम फाइंड करेंगे तो जो आएगा वो आएगा डेल टी बी, डेल टी बी। तो ये जो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, अब देखें, हम मान लिया लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू टी बी नॉट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू टी बी। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल टी बी, मतलब चेंजिंग। तो इसमें डेल टी बी अगर फाइंड करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए कि टी बी की वैल्यू ज़्यादा है और टी बी नॉट क्या है, कम है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टी बी नॉट की वैल्यू कम है, जब मिला दिया ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था ये वैल्यू, और जब इसको आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ हो गई, बढ़ गई। तो टी बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टी बी नॉट, इसका मतलब हुआ सिंस टी बी ग्रेटर देन दैट ऑफ टी बी नॉट देयर फोर डेल टी बी विल बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। तो ये वैल्यू आती है। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली यह वेरीफाई किया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ये हो गया, अब देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन वेरीफाइड दैट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग हुई है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सल्यूशन, मतलब सल्यूशन के मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी।
तो अब हम इसको जब हटाते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो डेल टी बी इक्वल टू यहाँ पर आता है के बी एम, ये फार्मूला यहाँ बनता है। और हियर के बी है क्या, के बी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या एक और नाम है इसका ध्यान लीजिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या एक और नाम जान लीजिए इसका, इबुलियोस्कोपिक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये तीनों नाम सिर्फ के बी के हैं, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू जो है दी हुई रहती है। हाँ, अब देखिए इसमें हम मोडलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ इसको हम आगे और एक्सपेंड करेंगे, डेल टी बी इक्वल टू के बी, मोडलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यानी एन टू अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो यहाँ डब्लू वन अपॉन ये 1000 हो जाएगा, ये जो है मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होता है ये वैल्यू, इन ऑर्डर टू चेंज इट इन किलोग्राम वी डिवाइड बाई 1000। तो अब इसको एन टू की वैल्यू जानते हैं, सिंस एन टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इसका जो है सल्यूट का, तो गिवेन मास अपॉन मोलर मास डब्लू टू अपॉन एम टू होता है, तो देयर फोर देख लीजिए, डेल टी बी इज इक्वल टू, डेल टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर के बी, एम टू का मतलब हो जाएगा डब्लू टू, डब्लू टू अपॉन एम टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्लू वन अपॉन 1000। तो जब इसको यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं ऐसे और बीच वाला बीच में जाएगा, तो हमारा बनता है रिलेशन, उसको देखिए इस तरीके से कैसे बनेगा, ये इसका रिलेशन आएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई, देख लीजिए यहाँ पे के बी हो जाएगा, और मतलब 1000 डब्लू टू अपॉन एम टू डब्लू वन ये होगा, तो 1000 इंटू डब्लू टू अपॉन डब्लू वन इंटू एम टू, तो इस तरीके से ऐसे इसको लिख सकते हैं, या इसको और भी तरीके से चाहते हैं लर्न करने के लिए आसान हो, तो यहाँ पर डेल टी बी इक्वल टू 1000 के बी डब्लू टू अपॉन डब्लू वन एम टू, चाहे जो आपको सूटेबल हो लर्न करने के लिए इसको कर सकते हैं। मेन फार्मूला आपका जो है यही है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, और इसमें एम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सुन करके आगे सॉल्व किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत नया नहीं है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अपने ड्राइव कर सकते हैं, वेरी सिंपल टेक्निक से मैंने बता दिया इसको। हाँ, अब जो है इसमें ध्यान जान लीजिए कि जो भी है डेल टी बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसका मतलब ये होता है, यानी कि डेल टी बी का मतलब होता है यानी टी बी माइनस टी बी नॉट, अगर ये ऐसा दिया हो कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन न पूछ रहा हो, ये पूछ रहा हो बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए सोल्यूशन का, तो भी निकाल सकते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट आपके सॉल्वेंट न दिया हो यदि अगर किसी पूछ सकता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू 1000 के बी डब्लू टू अपॉन डब्लू वन एम टू, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं एज यू विश, जिस जो आपको सूटेबल पड़े लर्न कर सकते हैं। और इसमें यही ध्यान देने की बात है कि कोई भी मास आप लेंगे वो ग्राम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 1000 से डिवाइड किया गया है, मोलर मास हो, मास ऑफ सॉल्यूट हो, मास ऑफ सॉल्वेंट हो, और मोलर मास हो, जो भी आप लेंगे उसको आप जो है
ग्राम में लेंगे, किलोग्राम में नहीं, किलोग्राम में दिया सो आप दिया है तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। तो ये था जो है आपका ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। नेक्स्ट डे आई शैल टॉक यू अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।